अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज जी मैं आप लोगों को अपने सोफे की सेटिंग दिखाने लगी थी। ये हमारा जी है ड्राइंग रूम। तो जाहिर सी बात है, जैसे नया फर्नीचर आएगा तो फिर एक नई लुक आएगी और डिफरेंट कुछ देखने को मिलेगा। तो ये हमारी, मैं आप लोगों को पहले वाली लुक दिखाने लगी क्योंकि ये टोटली सेटिंग चेंज होने लगी है हमारी। वो भी आगे चल के आपको पता चल जाएगा क्यों चेंज होने लगी है। तो ये देखें जी, ये मैं इसकी फुल लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हमारा ड्राइंग रूम है और ये हमारे इस तरह से सोफे वगैरह की सेटिंग पड़ी हुई थी, और इसके कर्टन वगैरह जो सेम थे वो हम लोगों ने खुद कस्टमाइज करवाए थे, टेबल भी खुद बनवाया था। तो ये खुद ही हम लोगों ने सारी सेटिंग की थी, लेकिन अब हम लोग जो है इसकी सेटिंग चेंज करने लगे हैं। तो हम लोग न्यू सोफा खरीदने के लिए शोरूम पहुंच चुके हैं। तो वो हम अचानक ही, वो गाना आप लोगों ने सुना होगा ना, मैं निकला गड्डी लेके, तो फिर ये रास्ते में सोफा हाउस आया, हम वहां से सोफे उठा लाए। तो ये ऐसा हुआ है कुछ के हम लोग यहाँ पहुंचे। अभी हम लोगों ने ये फर्स्ट वाला ही विजिट किया था और यहीं से हमें पसंद आ गया। जरूरी नहीं है कि घूम फिर के लें, जब चीज पसंद आ रही है एक जगह से तो ले लो चुप करके, बाद में वैसी मिलती भी नहीं है अगले से, जहाँ मर्जी घूमो फिर फिर मिलता भी नहीं है। यहाँ से ये हमें चीजें पसंद आ रही थी, टेबल वगैरह भी देख रहे थे, उन्होंने रैंडमली चीजें रखी थी, खुद पेयर बनाना था अपनी मर्जी से, पेयर भी बने पड़े हुए थे, लेकिन जो खुद पेयर बनाना है वो जरा ज्यादा प्यारा लगेगा। ये जो ग्रे कलर के सोफे है ना, जिसके ऊपर मल्टी कलर के कुशन पड़े हुए हैं, ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया और सिलेक्ट कर लिया और फाइनल भी हो गया यही। और उसके बाद तो वैसे इधर उधर हम लोग चस्के लेने के लिए ना घूम फिर रहे थे, चीजों के रेट पता कर रहे थे, चीजें देख रहे थे, बेडरूम की चेयर्स वगैरह हो गए, जैसे दीवान हो गया, और कुछ डिफरेंट चीजें देख रहे थे, विजिट कर रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या नई नई चीजें हैं। अब जो हमारी फाइनल शॉपिंग होती है ना, मतलब कि जिस वजह से हम लोग यहाँ पर आए थे, जो शॉपिंग करनी थी वो तो हमारा डन हो चुका था, कि जो हमने सोफे लेने थे वो डिसाइड हो गए थे ग्रे कलर के, और बाकी भी और भी डिजाइन थे और पेयरिंग में भी थे, मतलब कि 2 सीटर, 3 सीटर, 1 सीटर, इस तरह से भी था, एल शेप में भी थे, और भी काफी ज्यादा डिफरेंट वैरायटी पड़ी हुई थी। हर एक की चॉइस, घर के मुताबिक फर्नीचर लेना होता है, तो हम लोगों ने भी अपने घर के मुताबिक फर्नीचर ले लिया। हमारा जो पहले था वो हमारा 3 और 2 और 1 सीटर था, तो अब हम लोगों ने एल शेप डिसाइड किया है, क्योंकि लुक चेंज करनी है तो जाहिर सी बात है फिर वो शेप भी चेंज होगी और फर्नीचर भी थोड़ा सा चेंज होगा, तो अभी तो नई नई लुक लगेगी और एक चीज हट के सामने आएगी, दिल भी करेगा बोलने को माशाल्लाह। तो आप लोग भी जरूर एक बार बोलिएगा माशाल्लाह। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका था, तो बस अब हम लोगों ने ना यहाँ से निकलने की, क्योंकि घर जाकर भी ना वहाँ पे अभी सेटिंग करनी थी, पहले जो सोफे थे वो बाहर निकालने थे और इसे वहाँ पे सेट करना था। टाइम तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी कंज्यूम होगा हमारा अच्छा खासा, तो इस वजह से अभी खाना भी खाना था, डिनर टाइम भी हो चुका था, सबको भूख भी लगी हुई थी। तो फाइनली हम लोग पहले घर पहुंच गए और उसके बाद जो है ड्राइवर अंकल बाद में आए हैं, और बाद में हमारे भाई खुद ही लग के ना सारा कुछ इन्होंने किया है। इस तरह ना मैं खुद कहती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह, इस बात से अच्छे हैं कि हमारे नबी जो थे वो खुद अपना घर का सारा काम खुद करते थे, जरा शर्म नहीं फील करते थे। इसी तरह सेम जो है ना मेरे भाई भी ऐसे ही है, कोई शर्म नहीं फील करते। हमारे अंदर भी सेम वही आदत है, या शायद हमारे पेरेंट्स से ही हमारे अंदर आई है, तो हम लोग भी खुद बड़े शौक से सारे घर के काम करते हैं, कोई नखरे नहीं करते, कोई जी हम लोग नहीं करते कि हमारे हेल्पर आए वो करें, हम क्यों करें जी, हम बैठ के खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इस तरह की कोई आदत भी नहीं है। वैसे भी कुरान पाक में वाजह तौर पर फरमा दिया गया है कि हमारे नबी की जो जिंदगी में वो बेहतरीन नमूना है, हम लोग उसे फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो हम लोग जरूर कामयाब होते हैं। इनाया जो है ना वो अपने तौर पे अपना काम कर रही थी, वो कुशन वाला पूरा बैग जो था वो पोटली वो खुद उठा के अंदर लेके आई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होती है, इसमें ये होता ही क्या है, वो विकी वाली रुई होती है, इस अंदर से लाइट वेट होती है, बच्चे भी इजिली कैरी कर लेते हैं, वो उठा के अंदर ले आई है इसे। और उसके बाद ही यहाँ पर सोफा सेटिंग हो रही है, मेरा सबसे पहले आके ऊपर बैठ गया अपना फीडी लेके। मैंने पहले आपको बता दिया था ना, हम लोगों ने कलर वो चूज करना है जो बच्चे गंद भी मारे तो पता ना चले, उसने अपना फीडी ले लिया और ऊपर बैठ गया। अब इधर फीडर के उसने पूरा शावर करना इधर उधर फेंकना, तो कभी समटाइम्स इसका फीडी मिलता भी नहीं है, हम लोग ढूंढते फिर रहे होते हैं कहाँ गया कहाँ गया, तो ये सोफे के नीचे से मिल रहा होता है, टेबल के नीचे से मिल रहा होता है, इस तरह से हमें चीजें ढूंढनी पड़ती है खुद। आप लोग देख सकते हैं ये हमारी ड्राइंग रूम की अब की जो सेटिंग है वो कुछ इस तरह से है। और बताएं आप लोगों को हमारी पहली वाली सेटिंग अच्छी लगी है कि ये अच्छी लगी है, या हम लोगों को चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये बेहतर है तो ये भी बता दें। मैं आपके कमेंट्स का जरूर वेट करूंगी, जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कमेंट करना है, और माशाल्लाह जरूर बोलना है, आगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज। और हम लोग मूवी ठा करने लगे हैं, आप लोग भी अपने अपने घरों में जरूर खुशियां बांटे, खुशियां बखेरे, अच्छा देखें, अच्छा बोलें, और हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज।